गुड आफ्टरनून गाइज वेरी 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 गुड आफ्टरनून कैसे हो आप लोग जल्दी से चेक करो जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दो फटाफट फड़ बताओ एम आई लाइव कैन यू ऑल योर मी सी मी ऑल ओके गुड आफ्टरनून सो फर्स्ट टाइम सीन इज के भाई मतलब मेरे आने से पहले तुम्हें से इतने लोग लाइव आ गएलीट एंड एक्साइटमेंट दिख रहा है मुझे आज के सेशन के लिए वो एनर्जी दिख रही है जो हमेशा सेटिंग है ना जून ट्वेंटी थ्री एग्जाम को लेकर बच्चे थोड़े से लिथार्जिक हो जाते हैं थोड़े से मतलब मैं देख लूंगा फिर से कि हाँ हाँ हमारे एग्जाम को तो बहुत टाइम है हम हाँ, पढ़ी लेंगे है ना सो दिस इज समथिंग विच आईव बीन ऑब्जर्विंग टवर्क so, लो? really हम लोग को परेशान नहीं करे है ना कहते ना जब सब कुछ सही होता है तो नेटवर्क परेशान करता है तो आई रियली हो नेटवर्क हम लोग को परेशान ना करे ओके okay? So, जाओ जाकर अपने उन सारे दोस्तों को बोल दो जिनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर किसी भी तरह का परेशानी थी कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ट्रैक ऑफ ऑफ सेल गुड्स एक्ट बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग कैसे है गुड आफ्टरनून मैम अगर इससे पहले सोगा नहीं किया तो भी इस सेशन से हो जाएगा मैम अगर इससे पहले हमने सोगा किया है और हम डिवाइस करना चाहते हो तो भी इससे हो जाएगा और बोलो किसी को और कोई परेशानी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून लेट मी जस्ट कहते ना नेम चेक क्योंकि काफी बच्चों को लगता है मैम लाइव है रिकॉर्डेड है, है क्या सो so, अर्श आकांक्षा राजस्वी साइमा देन लक्षिता प्रिया राइट नितेश, कोमल इनफ सयम क्या बात है <laughs> निरंजन श्रुति काजल वैष्णवी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड रिपीटेड नेम्स निशा रोशन तन्वी सौम्या पुनीत शैलेष वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू श्रुति मुस्कान नेहा ओंकार वाओ गुड आफ्टरनून गाइज गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैम क्या मैं प्लस स्टूडेंट हूँ मैं भी अटेंड कर सकता हूँ भाई अगर आपको सोगा में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो दिस सीरीज इज फॉर यू ऑल ओके राजवंशी राज ओ हो यू नो गुड थिंग इज लाइक आई नो फ्यू पीपल बाय फेसेस नाउ, तो जो भी पिछले साल भर में हुए थे, जो भी so, हैं जिनको तो ऐसा लगता है मैं सामने से जानती हूँ <coughs> इसी की कमी थी तो गुड आफ्टरनून गाइस मैंने सोचा था मैं, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बात चालू करूंगी लेकिन बंद हो गई इट्स ओके इट्स फाइन तो मैं बिना आपको पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हूँ कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। द बिगेस्ट रीजन दैट आई कैन गिव यू फॉर दिस एक्ट इज दिस एक्ट कैरीज मिनिमम सिक्सटीन मार्क्स आउट ऑफ लॉ मतलब लॉ जो साठ मार्क्स का है उसमें से सोलह मार्क्स का सोगा एंड ऑल्सो अंपल्सरी क्वेश्चन एज वेल जिसमें चॉइस नहीं होता है ओके सबको पहचान लिया अभी आप लोग यहां पर फोकस कर लो तो सोलह मार्क्स का ये चैप्टर है पूरा जो है टोटल चार यूनिट्स में डिवाइडेड ओके ना वट इज द सेल ऑफ गुड जैक्ट भाई आया कहा से किस लिए आया है

भाई देखो अभी हम लोग ये फास्ट ट्रैक सीरीज शुरू कर चुके हैं दिस टाइम आई एम डूइंग इट लिटिल डिफरेंटली कैसे मैं एक यूनिट खत्म करूंगी आप लोगों के साथ और उस यूनिट का क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूंगी फिर दूसरा यूनिट खत्म करूंगी

Uh, इस बार के रिजल्ट ने दोनों तरह के फीलिंग्स दी हाइट ऑफ प्राउड आई फेल्ट जब मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो लाइक like, हजारों बच्चे पास हुए पेड प्लेटफॉर्म से और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ के भी पास हो गए सो दैट गेव अ रियली काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों तक पहुँच रहे हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी लाइक देर आर टू बी पास बट इट वॉजन बिकॉज शायद कुछ आई और कुछ भगवान अलग चीज सोच के रखे थे हमारे लिए है ना तो इस बार फिर रिजल्ट ने काफी चीजें दी एंड उसके बाद में यू नो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सो दिस टाइम अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर यू इज अमेजिंगली मेड ठीक है वैसे मैं ट्यूजडे और वेंसडे को रात को दस बजे एक और अमेजिंग सेशन रख रही हूँ जिसमें मैं उस स्ट्रैटेजी को आपको और क्लियरली बताऊंगी लेकिन फिलहाल मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सी ए हूँ अ चार्ट अकाउंटेंट आई हैव आईसोड माई कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम एग्जामिनेशन और सबके अलावा मैंने बी कॉम भी किया है जब जब मुझे टाइम मिल जाता था आई एम लाइक डीपली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर सो इसलिए मैंने ओ लेवल इज़ लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक कोर्स होता है मैंने वो भी किया हुआ है उसके अलावा दिस अनदर एग्जाम जिसको ए लेवल कहते हैं सो दैट लाइक आई हैव ऑलमोस्ट इट बट ठीक है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसलिए फिर बाद मैंने करने की कोशिश भी नहीं की बट ये सारी चीजें सीए के साथ साथ ही करी थी सीए के बाद नहीं करी थी और जब जब जैसे जैसे अकोमोडेट हो सकता था बिना आईसीआई के नॉर्म्स थोड़े वैसे किया था तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी जब हमारा फोकस सही होता है तो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता एंड दिस इज योर बाहुबली टी राइट ये जो टेलीग्राम लिंक है इसको प्लीज ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर सारे एजुकेटर के अपकमिंग सेशंस के लिंक आपको मिल जाते हैं

जहाँ पर आपको मेरी कम्युनिटी से कनेक्ट होकर आप वहाँ पर मुझसे डाउट पूछ सकते हो डाउट्स क्लियर कर सकते हो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन लाइक आई हैव अ लॉट ठीक है like चलिए सोगा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने देखा एंड लाइक आई वुड से कि कोई भी अगर सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है ना वो कभी भी ये नहीं देखता कि मैं सिर्फ पैसे कैसे बनाऊँ वो ये देखता है कि मैं रिलेशन कैसे बनाऊँ और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कौन होता है जो सिर्फ ये नहीं देखता है कि मैं मार्क्स कैसे बनाऊं वो ये देखता है कि मैं टॉपिक कितना अच्छे से समझूं क्योंकि मार्क्स पीछे-पीछे आ ही जाएंगे है ना राइट right? थोड़ा सा है कृष्णकांत एकदम थोड़े से चिंतित है बहुत ज्यादा नहीं चलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की अगर हम बात करें तो एल सोगा uh, की नीड क्यों है सीए में व्हाट इज द नीड ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन सीए कोर्स आइए जानते हैं सो बेसिकली 16 से 20 मार्क्स का ये टॉपिक उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन फोर और सिक्स मार्क्स का फिक्स ही है क्वेश्चन नंबर वन विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन उसमें फोर मार्क्स का सोगा फिक्स है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर में एक छह मार्क्स का क्वेश्चन आता है दैट इज ऑल्सो जनरली अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टडी छह मार्क्स की एक आती ही है और कभी कभी किसी और टॉपिक से क्वेश्चन उड़ाकर सोगा से पूछ लिया जाता है बिकॉज ये सबका फेवरेट एक्ट है है ना मैम एक्ट से डरने की जरूरत है या फिर इजी है एक्चुअली बहुत इजी है बहुत मजेदार एक्ट है है ना और अगर मैं तुम लोग को एक और चीज बताऊं कि ये जो एक्ट है ना दिस पर्टिकुलर एक्ट इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या ये एक्ट अगर आप में से किसी ने कभी नहीं भी पढ़ा तो भी आपको नॉलेज है हम लोग सामान खरीदते हैं उसके हम पैसे देते हैं हैं सामान हम हम हमारी चॉइस का खरीद सकते लोग वेट करेंगे और वेट के हिसाब से हम पैसा देंगे सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट कोई भी लॉ कोई भी एक्ट हमें वही चीजें बताता है जो कि करेक्ट हो है ना क्या चीज कैसे होनी चाहिए इसका नाम क्या है सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट यानी गुड्स को बेचने का कानून तो जो सही तरीका है वो इसमें लिखा है और सही तरीके तो बचपन से हमें मम्मी पापा सिखाते आए है ना सो दिस इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए उनको उनके राइट्स और रेमिडीज पता चलते हैं इतना ही नहीं गुड्स से रिलेटेड पार्टीज का कोई भी चीज़ जो उन्होंने आपस में अग्री करी है वो इस एक्ट से नीडेड uh, होनी चाहिए सो दैट्स इट दैट इज ऑल अबाउट दिस एक्ट इस एक्ट में हम लोग यूनिट वन में पढ़ने के हवाले ना वर ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बारकॉन होता है सेलोकॉन होता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानेंगे सेल क्या होता है अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है हम लोग ये भी समझेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हम लोग बेसिक्स भी पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तो फटाफट बता दो भाई आई यू ऑल एक्साइटेड माया कोई अमेंडमेंट नहीं है ठीक है ओपीसी का क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उन्नीस शुरू 1930 में बनावा एक्चुअली एक जुलाई 1930 सौ तीस को बनावा ये एक्ट बेसिकली है क्या ये सिर्फ इतना कहता है कि सेल कुछ भी नहीं है बायर और सेलर के बीच में की गई एक बारगेन है बारगेन मतलब एक बंदा कुछ ऑफर करता है दूसरा बंदा कुछ क्रॉस ऑफर करता है फिर वापस ऑफरिंग होती है फिर वापस ऑफरिंग होती है फिर वापस फाइनली वो एक प्राइस पे आ जाता है मतलब तो तो ये इंडिया का सिनेरियो है जनरली अगर हम लोग मॉल कल्चर की बात करें तो वहाँ पे तो सामान पड़ा हुआ है प्राइस ऑफर्ड है आपको चाहिए तो उठा लो उस प्राइस पे लेकर आ जाओ बिलिंग कर लो है ना क्रॉस ऑफरिंग तो हमारी एकदम देसी तरीके से होती है दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्ट उन्नीस सौ तीस में एग्जिस्टेंस में आया था और अभी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल सेवेंटी जब तक था तब तक जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था लेकिन वो हटने के बाद से अब ये पूरे इंडिया पर बिल है ओके? Next. बिल्कुल है साइमा अब है जब तक आर्टिकल थ्री सेवेंटी था तब तक नहीं था अब है नेक्स्ट 1930 बेसिकली उसमें कुछ ये वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज किए गए हैं तो इनका हम क्विक डेफिनेशन देख लेते हैं पहला है बायर दूसरा है सेलर कौन होता है बायर मैम जो सामान खरीद रहा है वो बायर है ये ये कैसा सवाल है है ना ये इसकी कौन डेफिनेशन देता है? देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे लिए बायर वो है जो सामान खरीद रहा है लेकिन वोट अ पर्सन जिसने खरीदा नहीं लेकिन खरीदने के लिए एग्री कर लिया है जिसमें एक्जाम्पल अगर आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा कहीं से भी अपनी पसंद की कोई भी चीज ऑर्डर करी लेकिन कैश ऑन डिलीवरी करी है हैव यू पेड नो बट हैव यू अग्री टू पे ये आई यूर बायर ये अभी तक आपने पैसे नहीं दिया अभी तक आपने सिर्फ सामान पसंद किया है लेकिन आप खरीदने को तैयार हो आपने खरीदने के लिए अग्री किया है दैट ऑल्सो मेक्स यू अर बायर सुबह मीन्स अज्रीज टू बाय लेकिन मैम अगर वो बाद में वापस रिटर्न कर देता है तो इट्स ओके स्टिल दैटन इज अयर बिकॉज उसका इंटेंशन था खरीदने का सुबैर मीन्स अर अग्रीज टू बाय सेलर मीन्स अ पर्सन हू सेल्स और एग्रीज टू सेल है ना जिसने या तो बेच दिया है या बेचने के लिए एग्री कर दिया है गुड्स को उसको हम कहते हैं सेलर बायर और सेलर दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो जाते हैं जैसे कि अभी मान लो सायमा बायर है और हो सकता है अगले ट्रांजैक्शन में श्रुति बायर बन जाए और साइमा सेलर बन जाए समझ गए नेक्स्ट भाई जब तक मैं पढ़ा रही हूँ ना तुमको ना कोई कॉपी बनानी है ना कोई पेंसिल बनानी है ना कोई डायरी बनानी है अभी तुमको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है और मेरे साथ साथ याद कर सकते हो तो याद कर लो मैं एक चीज को जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी तीन तीन बार रिपीट करती हूँ तो मेरे साथ साथ तो तुमको याद करना है समझ गए और कोई टेंशन नहीं होना चाहिए लिख लेते हैं ये कर लेते हैं वो कर लेते मैं हूं ना लिखवाने के लिए कहा चिंता कर रहे हैं भाई नेक्स्ट गुड्स क्या होती है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव होती है उसको हम कहते हैं गुड्स सो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन किसको छोड़कर क्लेम्स एंड मनी किसको क्लेम को और मनी को छोड़कर जितनी भी गुड्स हैं उनको हम कहते हैं गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट स्टॉक्स एंड शेयर ग्रास एंड थिंग्स टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सेल ऑन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है ये क्या कहता है ये कहता है भाई कि कोई भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम और रुको कोई नहीं पूछेगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है देखो मैंने वार्निंग दी है मैं खुद बताऊंगी क्या होता है अभी रुक जाओ तो तुम फिलहाल ये वर्ड याद कर लो एक्शन एबल क्लेम ओके okay? एक्शनेबल क्लेम सो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी फिक्स एसेट्स गुड्स नहीं है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी दैट इज ओके इट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर ग्रोइंग्रॉप्स ग्रास थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच इज अग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सेल बट अट द कॉन्टेक्स ऑफ सेल मैम इसको याद करना है हाँ बिल्कुल कैसे याद करें जब मैं गुड्स खत्म कर दूंगी ना आपको समझाना डेफिनेशन तब तक आपको हंड्रेड परसेंट याद हो जाएगा ओके okay? हमारे लिए जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना उसके लिए हमेशा हर चीज कंपेयर करने के लिए होते हैं उसके पेरेंट्स अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो वो और नहीं तो पेरेंट अच्छा बाप आपने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा अच्छा आपने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा है ना वैसे ही हमारे इंडियन लॉज के लिए पता है इमीडिएट कंपैरिजन क्या है इंग्लिश लॉ क्यों क्योंकि हमारे लॉज काफी हद तक इंस्पायर्ड है इंग्लिश लॉज से लेकिन मैम ऐसा क्यों हमारा तो कल्चर अलग है हमारे तो बाउंड्री डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है क्यों हम इतने ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड है क्योंकि देवर द रूलर्स हम उनके गुलाम थे पराधीन थे अब स्वतंत्र हुए नाउ वी आर इंडिपेंडेंट पहले तो हम उन डिपेंडेंट थे तो हमारे लिए कानून मतलब उनके जब हम उनके लॉ से कंपैरिजन करेंगे राइट right? इसीलिए देखो यार डेफिनेशन में कंपैरिजन है कि हमारा डेफिनेशन वाइडर है इंग्लिश लॉ से ओके सो आर डेफिनेशन इज वेरी गुड बट वो इंग्लिश लॉ से भी अच्छी है क्योंकि वहां पर स्टॉक्स और शेयर्स इंक्लूड नहीं है गुड्स में लेकिन हमारे लॉ में हमने स्टॉक्स और शेयर्स को गुड्स में इंक्लूड किया है इज इंट एट अमेजिंग दूसरा टर्म जिसपे आप लोग अटके थे ना एक्शनेबल क्लेम क्या होता है एक्शनेबल क्लेम कोई भी ऐसी चीज जिसको क्लेम करना पड़ेगा अगर हमें उस चीज को लेना है तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट्स वैसे एक्शनेबल क्लेम है लेकिन अभी गुड्स में काउंट होने लगे हैं लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है गुड्स गुड्स बट दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी ना फिर वो goods क्यों नहीं है उनको तो खरीदा बेचा ट्रांसफर भी किया जा सकता है हाँ लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम है उसे मनी की जगह यूज किया जाता है इसीलिए इसीलिए वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे समझ लो लेकिन मैम ऐसा क्यो? क्यों क्योंकि उसका अलग एक्ट है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सब कुछ सोगा बेचारा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा अच्छा ना, मनी, को क्यों नहीं कर, इंक्लूड करते? मनी के लिए भी के ना? तो मनी को नहीं इंक्लूड करते यार, मनी से तो हम गुड्स खरीदते हैं मनी को खरीदेंगे बेचेंगे वो इस एक्ट में कवर कर लिया मजा नहीं आएगा लेकिन क्या हम मनी को खरीद और बेच सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं है ना डॉलर्स को हम खरीदते हैं डॉलर्स को हम बेचते हैं इंडियन रूपीज से

मैम व्हाट अबाउट कुछ सालों बाद हमारे जो पुराने 500 सौ और हजार रुपए के नोट थे अगर वो खरीदे बेचे गए तो पुराने थे ना आज की तारीख में वो मनी थोड़ी है उसको तो आप एंटी की तरह खरीदोगे बेचोगे बेचो खरीदो उड़ाओ वो चलेगा भाई वो गुड्स है लेकिन आज की तारीख में जो मनी सर्कुलेशन है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो नहीं है हमारा कुछ ओके चलिए सो व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स Goods means every kind of movable property. ये याद हुआ kind of मैम एग्जाम में आ सकता छह मार्क्स के लिए इसलिए याद करा रही हूँ kind of किसको दूर कर दिया हमने अदर देन एक्शनेबल क्लेम मनी इन सर्कुलेशन वॉट इंक्लूडेड एक्शनेबल क्लेम मनी इन सर्कुलेशन वेड रिल्स इंक्लूड सोशल ग्रास

So, goods means every kind of movable property other than actionable claim, money in circulation. But it includes growing stocks and shares, growing crops, grass, anything which is attached to and forming part of land which can be severed at the time of contract. Isn't it interesting definition? Now, goods are tricky, but you know, you before coming, a quick overview. मैन व्हाट अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिसिटी गैस क्या वो भी गुड्स है है गुडविल वो भी गुड्स है एंशिएंट कॉइंस वो भी गुड्स है सिल्वर कॉइंस गुड्स है गोल्ड गुड्स है बिल ऑफ एक्सचेंज गुड्स नहीं है प्रॉमिसरी नोट नहीं चेक नहीं अच्छा कैश नहीं समझ लो तो जो नहीं है वो वो उतना सही है बाकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी दे आर ऑल गुड्स अच्छा मेरे पास ना ऐसे बेंगलोर में एक बहुत बड़ा लैंड लिया हुआ है और एक प्लॉट लिया हुआ है और एक फ्लैट लिया हुआ है ये तो गुड्स में है नहीं इंक्लूडेड है ये भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है क्यों वो सारे के सारे क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी है ओके अंडरस्टूड मैम उसको सेपरेट क्यों लेंगे किसको सेपरेट क्यों लेंगे भाई उसको किसको उसको <laughs> ब्लर दिख रहा है आंखों पे पानी मारो या स्क्रीन को साफ करो नहीं रोहन चलो मैं है इतने क्लियर नहीं किया उसको किसको कल है नहीं आ कल चलो हो गया आई थिंक उसको का कलरिफिकेशन नहीं है कोई बात नहीं यहाँ से स्टार्ट करो है ना लाइक योर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ या से स्टार्ट करो और बोलो अरे ये वाले स्क्रीन का तुमको करना क्या है क्या इसमें गुड्स तीन तरह की होती है एग्जिस्टिंग फ्यूचर कंडीजेंस एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरह की होती है स्पेसिफिक है नॉन एसटे अभी भी ब्लर दिख रहा है चेक ग्रास गुड्स क्यों है आपको नहीं पता घास घास को भी बेचा जाता है जो घास होती है ना उसको बेचा जाता है तो जब वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है घास जब तक वो जमीन से जुड़ी हुई है तब तक वो इमूवेबल है फिर उस बड़ी घास को काट लेते हैं फिर जानवरों को चारा दे देते हैं है ना तो वो क्या हो गया सेपरेट हो गई जमीन से सेपरेट होगी तभी तो बिकेगी यार मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ है पांच किलो घास लेने गए और उसने कहा पांच किलो घास के साथ पांच एकड़ जमीन मुफ्त घास अलग है जमीन अलग है घास ही मूवेबल है घास मूवेबल है जमीन ही मूवेबल है समझ गए ना <laughs> आगे बढ़ू थैंक यू

और ब्लैक कलर ही चाहिए तो वो है क्या उसने कहा बिल्कुल है ये लो ले जाओ लेकर तो वो गुड्स टाइम सेलर के पास एक्ष, कर रही थी। existing goods. Existing goods बच्चों, तीन तरह की होती है specific, specific, मुझे कौन सा मॉडल चाहिए कौन सा कलर चाहिए क्या उसमें कॉन्फिग्रेशन चाहिए स्पेसिफिक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर जब आपने गुड्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया मुझे तो यही चाहिए दैट इज स्पेसिफिक गुड्स है ना एक बंदा उसके पास पांच कार थी कौन कौन सारी सुपर कार थी एक जैगवार थी एक बी उसकी थ्री सीरीज फाइव सीरीज कुछ कुछ आती है ना एक्स फाइव थी एक्स सेवन थी तो उसमें से हमने बोल दिया भाई मुझे एक्स सेवन चाहिए ब्लैक कलर का चाहिए ये चाहिए वो चाहिए हमने एकदम स्पेसिफिक बोल दिया स्पेसिफिक गुड्स या मैं दीदी कोई भी एक कार ले लूंगा वो स्पेसिफिक नहीं है

दे आर इंडिकेटेड और डिफाइन ओनली बाई डिस्क्रिप्शन से डिफाइन होती है एक्सैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते वो से चौथा वाला है ना वही फर्क पड़ता है समझ गए so कौन सा प्रोडक्ट चाहिए एक्सैक्ट पीस एड सटेन गुड्स जब आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता आप लोग गिवन ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट करते हो अनसर्टेन जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता आप कोई भी ले लेते हो ओके okay? सो so, ज्यादा अच्छे से समझो ठीक है तो यू you नो know, काफी लोगों का होता है हो सकता है आप में से भी किसी का हो वो समवन स्पेशल जिसको आप अपने घर वालों के पास ले जाकर सीधा खड़ा कर दो और बोल दो बस यही है इसी से करना है जो करना है है ना सो so, आपका वो जो स्पेसिफिक बंदा या बंदी है वो क्या है स्पेसिफिक गुड्स मुझे तो शादी करनी है तो इसी से करनी है नहीं तो नहीं करनी है स्पेसिफिक गुड्स एसरटेन गुड्स यार आप दिखा दो हम पसंद कर लेंगे बार आते है फोटोज आती है आप अपनी पसंद के बंद या बंदी को पसंद कर लेते हो उस ऑप्शन में से एसरटेन कर लेते हो ये वाले की तो हाइट थोड़ी कम है अरे ये तो सीए भी नहीं है अरे इसका तो ये प्रॉब्लम है फाइनली यू फाउंड सम वन सर्टेन गुड्स तो आपका कोई स्पेसिफिक वाला या वाली नहीं थी लेकिन आपने ढूंढ लिया पसंद कर लिया गिवन ऑप्शन में से एसर्टेन अनएसर्टेन गुड्स शादी तो करनी है मम्मी क्या ही फर्क पड़ता है किसी से करा लो है ना आप अपनी पसंद का कोई भी ढूंढ लो करवा देना अनएसर्टेन गुड्स समझ गए किसी को कोई प्रॉब्लम मैम वेलेंटाइन का वीक है हमें चला रहे हो बेटा भूल गए हो खत्म हो गया पता है के के बाद के जो दिन होते हैं ना वो सिंगल्स के लिए होते हैं अब ज्यादा अच्छे से समझा वेरी गुड मुझे मुझे लगा ही था तुमको बेटर समझेगा वाला एग्जाम्पल वो फ्यूचर गुड्स में आएगा ओके एग्जिस्टिंग गुड्स जो सेलर के पास एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बायर या तो स्पेसिफिकली उसको पता है उसको क्या चाहिए या वो छाट रहा है या वो कहता है कोई भी दे दो नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर नहीं है मैन्युफैक्चर होंगे प्रोड्यूस होंगे हमने एक ड्रीम देखा था हमारे ड्रीम सोफे का बट कल ही आई वेंट टू होम सेंटर एंड यू नो तो वहाँ पर आई एक्चुअली सो हमने जितना सोचा था उतना नहीं बट काफी फ्यूचरिस्टिक सोफाज आते हैं मतलब मैंने पहली बार देखे वो रियली लाइक इट लोग पढ़ते रहते ना पढ़ के थक जाते हो एग्जस्ट हो जाते हो तो आप फर्नीचर वाले भैया के पास जाते हो ये हमारे फर्नीचर वाले भैया बहुत अच्छा फर्नीचर बना के देंगे तो इनका फीस अच्छा बना देते हैं विद सम हेयर्स इज विद ठीक है पार्टीशन भी किया हुआ है इनके हाउस का ये हमारे फर्नीचर वाले भैया चलो अब हम इन भैया के पास जाते हैं और इनको बोलते हैं कि यार हम ना इतने घंटे बैठे रहते हैं पढ़ाई करते रहते हैं कभी बैक पेन हो जाता है कभी कुछ हो जाता है तो हमें ना कुछ अच्छा सा सोफा चाहिए ऐसे सिंगल सीटर चाहिए है ना ज़्यादा वो ऐसे कुछ वो नहीं है सिर्फ एक सिंगल सीटर अच्छा सा सोफा चाहिए तो वो हमें कुछ सोफाज दिखाते हैं हम कहते हैं हाँ मतलब तो ये ठीक है बट कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो क्या राइट तो तो क्या चाहिए तब चालू हो जाते हो यार सोफा ना रिक्लाइनर होना चाहिए ऐसे क्या होता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना तो वहीं पे सो जाते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है अगले दिन होते है। तो ऐसे रिक्लाइनर आना तो मम्मी आके बटन दबा के फिर हम लोग को ऐसे सुला देगी तो वो कमर वमर और जो प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होंगे तो बिल्कुल ले लो रिक्लाइनर सोफाज की कोई दिक्कत नहीं है वो बटन वाला होता है वो नहीं चाहिए बाद में जोर लगाना पड़ता है हमें वो वैसे पुश बटन वाले इलेक्ट्रिक बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएंगे। video, क्या है सिर्फ बाहुबली फास्ट बैच चालू हो गया बैटरी का बड़ा इशू है तो मेरे ना सोफा में चार्जिंग ऑप्शन तो होना ही चाहिए तो बिल्कुल हो जाएगा आजकल तो बहुत नॉर्मल है है ना वॉइस प्रॉब्लम आ गई है हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अभी आ रही है आवाज आप लोगों को इज इट ओके अभी ठीक है ओके okay. तो आप कह दे चार्जिंग रिक्लाइनर दो नीड्स

फिर आप कहते हो ये सारी चीज़ें तो ठीक है एक दो प्रॉब्लम्स और है देख लो आप डाल सकते हो तो पैसों का प्रॉब्लम नहीं है बस आप देख लो तो आप बोलो ना यार मैं चाहता हूँ ना इन मसाज भी हो दिन भर बैठे 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 थक जाते हैं तो थोड़ा पैम्परिंग हो गई ना तो फिर पढ़ने में और मजा आएगा बता तो डन रिक्लाइनर मसाजर्स विद तो दिस ऑल हो सकता है कोई दिक्कत नहीं एक और चीज़ कह रहा था यार बड़ा प्रॉब्लम है सुबह उठो लैपटॉप खोलो कभी चार्जिंग पे लगाओ कभी कुछ करो लैपटॉप में कुछ एलेक्सा जैसा सिस्टम हो सकता है कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूँ वो लैपटॉप खोल दे और मतलब ऑटोमेटिक चार्जिंग पे चालू कर दे यू नो दैट होम ऑटोमेशन होता है वैसे ऑटोमेटिक सोफा उसी के अंदर से ऐसे अंदर से यूँ लैपटॉप निकल जाए ऐसे सामने स्क्रीन आ जाए फिर कभी कभी एकदम से आवाज़ कम हो जाती है टीचर्स की अभी हुआ साउंड प्रॉब्लम वैसा कुछ हो जाए तो मैं सिर्फ ऐसे बोल दूँ साउंड इंक्रीज़, साउंड डिक्रीज तो मुझे इसे बार बार आगे झुक कर नहीं करना पड़े, यू नो कंफर्ट हिल जाता है तो फ्लो टूट जाता है तो बंदा कहता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर ये साउंड uh, यू नो साउंड इंस्ट्रक्शन ऐड कर देंगे करना क्या कोई बड़ी बात नहीं है एक दो प्रोग्रामिंग ऐड करनी है हो जाएगा फिर आप कहते हो रही है तो अच्छी बात हो गई बस एक एक दो चीज़ें और कर दो कहते क्या इस सोफ़ा में ना नीचे थोड़े व्हील्स डाल दो तो उससे क्या होगा ऐसे मैं रोज सुबह उठूँगा उठ के सोफा तक जाऊंगा फिर पढ़ूंगा उसमें क्या ही मजा है ना या कभी चलो मैं बाहर से आया थका आ रहा हूँ पैर दुख रहे अब मैं सोफा तक जाऊँ अंदर उसकी जगह मैं उसको आवाज़ लगा दूँ हे hey, सोफ़ा कम टू मी वैसे दौड़ता हुआ मेरे पास आए और फिर मैं रिलैक्स होकर उसी पे रूम में चला जाऊं कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या

कि बस मैं भूल ही जाता हूँ कि मम्मी ने गरम गरम कॉफी रखी है चाय रखी है गर्म पानी रखा है और फिर एकदम ठंडा हो जाता है तो जहाँ पर आप होल्डर दे रहे हो ना ग्लास का वहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन फैसिलिटी भी दे, दे देना तो उससे क्या होगा मेरी चीज़ जो गर्म है वो गर्म ही रहेगी तो अगर ये चीज भी ऐड कर दोगे ना मस्त हो जाएगा एक और प्रॉब्लम है बट मुझे लगता नहीं है कि वो हो सकती है कि यार ऐसे खाना भी कभी सोफा पे खाना पड़े तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़े आप चिंता मत करो मैं फोल्डेबल एक प्लेट डाल दूंगा तो उसको निकाल के ऐसे ठक कर देना तो आपकी प्लेट बन जाएगी हॉस्पिटल्स में कॉन्सेप्ट होता ही है तो आप उसी पे खाना खा लेना और मैं क्या करता हूँ वो प्लेट और वो ग्लास होल्डर दोनों को इंडक्शन ऑन कर देता हूँ बस आप ऑडियो इंस्ट्रक्शन दे देना आपका खाना गर्म का गरम ही रहेगा तो नीड देखो भाई एक चीज ध्यान रखना कहते हैं ना इनोवेशन बेसिकली कहाँ से आता है सो so, इनोवेशन हमेशा से आता है, जरूरत से आता है लेट मी टेल यू ने देखा है नहीं देखा है, बट अभी सो सोफा, प्लेट सिस्टम रिक्लाइनर एंड द चार्जिंग पॉइंट एंड द ग्लास होल्डर्स हम लोगों का एक्सपेक्टेशन फ्यूचरिस्टिक है लेकिन आई थिंक ऑलरेडी देर इन मार्केट यू नो रिक्लाइनर झूले वाला सोफा

फर्स्ट मार्च तक लेकर चले जाना आप कहते हो चलो ठीक है जहां इतने महीने निकाल दिए पढ़ पढ़ के राइट तो फर्स्ट मार्च क्या चीज है निकाल लेंगे हम लोग इतने दिन और तो ये पूरा जो मैंने कहानी बोली और जिसको आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया भाई ऐसा सोफा क्या शॉपकीपर के पास था जब आप गए नहीं मैम नहीं था तो क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स थी तो क्या थी वो थी फ्यूचर गुड्स ऐसी गुड्स जो सेलर के पास जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने गए तब नहीं थी लेकिन वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बाद उस गुड्स को बना देता है मैन्युफैक्चर कर लेता है या कहीं से खरीद कर आपको दे देता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स ठीक है सो जस्ट फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि मेरे खेत में ना मैंने अभी आलू बोए हुए हैं आलू उगने वाले हैं एंड वो पोटैटोज में तुमको सेल कर दूंगा जब वो उग जाएंगे फ्यूचर गुड्स ओके तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है इसको हम फ्यूचर सेल कह सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है इन दोनों के बीच में ठीक है पीने क्यू को कहा इस पूरे सीजन मेरी गाय जितना भी दूध देगी मैं पूरा तुमको बेच दूंगा इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यस इट इज सिमिलरली तीने एस को बोला कि मेरे खेत में मेरे इस गार्डन में जो ऑरेंज गार्डन है उसमें जितने भी ऑरेंजेस होंगी मैं सारे तुमको ही बेचूंगा दिस इज आल्सो पॉसिबल इट्स ओके राइट नो कोई डाउट नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्टेजेंट गुड्स तीन तरह के गुड्स होते हैं कौन कौन से एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग फ्यूचर गुड्स तीन तरह के थे स्पेसिफिक एसोटेन अनएसटेन नाउ कमिंग टू कंटेंजेंट गुड्स क्या होते होतेजेंट गुड्स वो गुड्स जिसका होना या नहीं होना किसी और चीज पर डिपेंड करता है So, नया तो लैपटॉप दिला देंगे लाइक पेरेंट्स वगैरह कभी कभी ऐसे ही प्रॉमिस करते है ना तो प्रॉमिस हो गया वैसे आप नॉर्मली ले लेते हो बट स्टिल है ना तीन सौ आई नहीं आया लैपटॉप आना पक्का हो जाता है लेकिन नॉर्मली हम कंटेंजेंट गुड्स क्यों कहते हैं क्योंकि अनसर्टेन है तीन सौ आएंगे या नहीं आएंगे लैपटॉप का ना किस पे डिपेंड है उस इवेंट पे डिपेंड है सिमिलरली ए एग्री करता है बी को कि मैं पिकासो की पेंटिंग तुमको सेल कर दूंगा अगर उसका एग्जिस्टिंग ओनर मुझे बेच देगा तो है ना तो इसमें क्या कंटिजेंसी है अभी जो ओनर है वो बी को ए को बेचना चाहिए तो ये बी को बेचेगा हुई ना कंटिजेंट गुड्स सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन हवेवर इट इंक्लूड्स

एग्जिस्टिंग गुड्स फिर तीन तरह की स्पेसिफिक एसर्टेन अनएसटेन जो चीज आपको स्पेसिफिकली पता है आपको कैसी चाहिए स्पेसिफिक गिवन ऑप्शन में से आप छाट लोगे सेटिस कर दोगे एसरटेन गुड्स अन गुड्स जिसको आप कहते हो कोई भी दे दो चलेगा नो स्पेसिफिक चॉइस ओके नेक्स्ट डिलीवरी वॉट इज डिलीवरी तो मैम मैंने ऑनलाइन गुड्स मंगवाई थी वो डिलीवर होगी दैट इज डिलीवरी है ना लेकिन अगर उसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे सो डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन वॉलेंट्री अपनी इच्छा से ट्रांसफर है ना ट्रांसफरिंग समथिंग पजेशन ट्रांसफरिंग वॉट पजेशन आज ये फूल मेरे पास है मेरे पजेशन में अगर मैंने आपको दे दिया तो ये आपके पजेशन में चला जाएगा आपके पास आ जाएगा तो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पजेशन अपनी इच्छा से अगर किसी चीज को किसी और को हम दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पजेशन अच्छा मैम ठीक है ना तो ना मेरे पड़ोसी से मैंने बस उसका एक बीस लाख का जो सेट है वो मांगा था तो उसमें दिया नहीं तो मैंने उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे गन रखा और उसको बोला ए निकाल बीसा का सेट और उसने दे दिया इज इट डिलीवरी नो इट इज नॉट क्योंकि तुमने जो किया वो कॉर्जियन था भाई वो वॉलेंट्री ट्रांसफर नहीं था जोर जबरदस्ती से तुमने चीज ली है उसने दी नहीं है ओके सो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब पूरी तरह से फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए जब वो पोजेशन दे देता ओके सो डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाई डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजेशन ऑफ फायर ओके दैट इज डिलीवरी डिलीवरी की बात करें तो तीन तरह की हो सकती है एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक एक्चुअल डिलीवरी में जब एक्चुअली गुड्स फिजिकली डिलीवर होते हैं बायर को गुड्स क्यों रहे फिजिकली उठ रहे हैं और दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं इट इज एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है एक्चुअली गुड्स नहीं मूव हो रहे हैं लेकिन ओनर बदल रहा है मेरे गोडाउन में एक टन गेहूं पड़ा हुआ है और वही एक टन गेहूं हिमांशी को चाहिए तो हिमांशी ने क्या किया मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कहा कि उसको वही रहने ना मेरे पास दूसरा गोडाउन नहीं है मैं जब किसी और को सेल करूंगी मैं वहां से उठवा लूंगी कोई दिक्कत नहीं है क्या गेहूं अपनी जगह से ले वीट अपनी जगह से ला नहीं वो एक क्विंटल एक टन जो भी बीट था वो वही का वही रह गया ओनर बदल गया ओके नेक्स्ट सिम्बॉलिक डिलीवरी कोई ऐसी चीज ट्रांसफर करना जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है तो मैंने मेरे यहाँ से गुड्स भिजवाए कोमल को ठीक है गुड्स कोमल के पास तो धीरे धीरे रोड से आ रहे थे तभी उस गुड्स को क्लियर करने वाला जो बिल्टी है इनवाइस है वो मैंने फ्लाइट से भिजवा दिया वो इनवाइस जैसे उनके पास पहुंचा वो ओनर बन गए तो इनवॉइस क्या है सिंबल ऑफ ओनरशिप है गुड्स तो नहीं पहुंचे लेकिन फिर भी ओनर बन गए सिमिलरली अगर किसी को आपको कार गिफ्ट करनी है तो क्या पूरी पूरी कार दोगे चाबी देंगे चाबी इज सिंबॉलिक डिलीवरी अंडरस्टूड? मुझे लगता है यहाँ पर रुक जाना चाहिए ना डेली का होमवर्क सुन लो भाई जी आए ना करेंगे हम लोग वो काम भी ध्यान से सुन लो होमवर्क और रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको सब याद हो जाना चाहिए समझ गए सो ऑल थिंग्स नीड्स टू बी डन टिल नाउ का डेफिनेशन याद करोगे गुड्स का डेफिनेशन याद करोगे गुड्स के अंदर भी गुड्स के तीनों टाइप और तीनों टाइप के भी जो सब तीन टाइप है वो सब याद करना है डिलीवरी याद करना है उसके सारे सब टाइप्स याद करना है ठीक है तो आज मैंने जितना भी करवाया है तुमको कल उतना के उतना करके लेकर आना है उतना ही नहीं द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डन इज कि कल का सेशन कल भी हम लोग एक बजे मिलेंगे सो दिस इज़ आ फिक्स टाइम तो कल का जो एक बजे वाला सेशन है ना उसके अंदर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सो आर फास्ट ट्रैक रिवीजनरी सीरीज विद अ बैंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल द बेस्ट गाइज ओके डन अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ आप में से काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे Uh, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं सारे मैसेजेस चाह कर भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो डू मैक्सिमम ऑफ इट तो काफ़ी लोगों को मैंने रिप्लाई किया था काफ़ी को नहीं कर पाई हूँ अब वो मैसेज था क्या मैसेज ये था अटेंडेंस लगाई ना सबने अगर आपको जेन्यून ये क्लास पसंद आया है और आपको लग रहा है कि यू नो इससे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है कम टाइम में आप ज़्यादा सीख रहे हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके मेरे को बताओ डू यू लाइक दिस इनिशिएटिव भीड़, भीड़, सब हम लोग जो कर रहे हैं समझ में आ रहा है सो मेक श्योर इट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट विज आई रियोटमी के प्लेटफॉर्म था उसका जवाब मैं लेकर आई हूँ मुझे क्या मैं अभी ले सकता हूँ तो प्लेटफॉर्म पे जाकर आप स्टोर पर जा सकते हो ठीक है जैसे ही आप स्टोर पर जाओगे आपको सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिखने लग जाएंगे एंड योर इज़ द लिस्ट आई नो फ सम रीज़न मेरा यहाँ पर अभी तक दिख नहीं रहा है बट हाँ आई मेक श्योर एंड आई टेल द टीम कि भाई क्या हो गया क्यों नहीं दिख रहा है मुझे लगता है क्लासेस तो ऐड हो गई होगी यहाँ पर लेकिन अभी एक ही एजुकेटर का शायद आ रही होगी चलो खैर जो भी है इतना डिटेल में नहीं घुसते हम लोग तो मेरा और इंद्रेश इंद्रेशा का कमाइन सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा और इसको बंद कर देती हूँ और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो भाई स्वाति टर्न देन डाल देना स्वाति टर्न देन डालकर जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा यानी सिर्फ दो हजार चार सौ रुपए में आपको मैथ्स फॉर अकाउंट्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और दो हजार रुपए में यू कैन गेट दैट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ

और प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप चार महीने का लेते हो तो भाई वो दस हजार में ही मिल रहा है तो दस हजार में लाइव क्लासेस मिल जाएगी आरटीपी पी वाई बैच मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा बेटर गो फॉर दिस ना फोर मंथस का सब्सक्रिप्शन इज़ एनी टाइम वर्थ इट उसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं मुझे लॉन्ग टर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है फाउंडेशन इंटर दोनों का भी तो थर्टी सेवन थाउजेंड में पूरा सी ए फाउंडेशन पूरा इंटर सी ए इंटरमीडिएट मिल रहा है विद स्विच ऑफ ऑप्शन तो कभी भी बेटर है फॉर एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन डन ओके, सो आई रियली होप आपको मजा आया होगा एंड डेफिनेटली इट्स 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 वर्थ इट ओके सो फटाफट पढ़ो फटाफट बढ़ो एंड मेक श्योर कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट्स डालो इस सब्जेक्ट में सही डायरेक्शन में ठीक है डू फॉलो वट एवर वी हैव टॉट यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कल मिलते एक बजे थैंक यू